अस्सलाम वालेकुम डियर्स, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक एंड इट इज एवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन। हियर वी हैव इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एट एक्स, दिस वन इज वेरिएबल, वी हैव टू चेंज एक्स। नाउ वी हैव टू शो हियर f of x plus y is equal to f of x plus f of y over 1 minus f of x dot, ये देखिए dear, मैंने prominent कर दिया, it means product, ज़रा का निशान है ये, and f of y, इसके लिए मैंने special instructions यहाँ पर place कर दी हैं। हमें सबसे पहले, first of all, we have to find f of x, next one f of y, and the third one f of x plus y। जब हम ये तीनों वैल्यू हासिल कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, placing मेन इक्वेशन, तीनों वैल्यू जो हैं इस इक्वेशन में रखेंगे तो चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो लेट्स सी ऑन बोर्ड, हियर वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जो करें ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट x। हमें क्या करने हैं, f of y मालूम करने दिए, तो जो करें f of y, जब हम f of y मालूम करने जाएंगे तो इस वेरिएबल को हम y के साथ रिप्लेस कर देंगे, जो x वेरिएबल है डियर इसको हमने इसके साथ रिप्लेस करना है। तो जो करें f of space is equal to tangent space, अब इस x की जगह पर तो जो करें इस x की जगह पर हम y रखेंगे, y, ओके। अब फिर एक हमारे पास दूसरा हल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, पहले हमने x की जगह पर y रखा, अब y की जगह पर हम x प्लस y रखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहां पर अगेन लिखता हूँ रिप्लेसिंग y बाय x प्लस y। अब हम तो जो कर रही है डियर, ये जो y है, ये जो गौर करें इसको हमने x प्लस y के साथ रिप्लेस कर देना है। नाउ वी हैव हियर f स्पेस इज इक्वल टू टेंजेंट स्पेस। अब इस मुकाम के ऊपर ये जो है, यहां पे हमने पहले y रखा था, उससे पहले x था हमारे पास, x पर y रखा गया, अब y को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस y के साथ, देखिए गौर से, x प्लस y, x प्लस y, तो हमें तीनों वैल्यूज हैं बारी बारी हासिल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को, एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, एक वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, और लास्ट वन वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तीनों वैल्यूज को हम बारी बारी इस मेन इक्वेशन में, ये जो मेन इक्वेशन है, तो जो करें मैं यहाँ पर स्टार का निशान बना रहा हूँ, तो जो करें स्टार का निशान था क्या प्रोमिनेंट हो जाएगी इस जगह पर। Now we have here we have that main equation, placing f of x, f of y and f of x plus y, let's see। अब इसकी जगह पर आप गौर करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है f of x plus y, इसके ऊपर गौर चेक करें, टेंजेंट x plus y। अब आप राइट साइड पर देखें f of x इज इक्वल टू टेंजेंट x, यहां पर हम लिख देंगे f of x की जगह पर टेंजेंट x, आगे अलावा हमारे पास आ रही है प्लस। अब f of y की जगह पर हम लिखेंगे tangent y, तो जो करो डियर tangent y। अब नीचे वाली वैल्यू में आप देखें वन एंटिटीज, वन फिर माइनस फंक्शन है, फिर f of x इज इक्वल टू ये हमें यहां पर प्रेस कर रहे हैं tangent x, और इन दोनों के दरमियान में प्रोडक्ट का निशान है, ये देखो, जैसे ये था
एज इट इज यहाँ पर ये लगा दिया और फिर एफ ऑफ वाई हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ टेंजेंट y के साथ। अब आप देखें ये जो वैल्यू है हमारे पास, अगर हम इसे अल्फा और बीटा कंसीडर करें तो ये एक मुकम्मल आईडी है, कंप्लीट, इट इज कंप्लीट आइडेंटिटी और दिस वन इज ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक वही है, एवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन। इफ we have f of t is equal to t power 4 plus t power 2 plus 1 over t2. Now we have to show that here f 1 over t is equal to f of t. We have that f of t is equal to, अब ये हमें करना क्या है, ये जो t है हमारे पास, जो करें ये मंडलाइन कर रहा हूं, इन t's को आपने रिप्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर t। रिप्लेसिंग t बाय 1 ओवर t, ये तो जो करें ये जो t है इसको मैंने रिप्लेस कर देना है 1 ओवर t के साथ। लेट्स सी ऑन बोर्ड f स्पेस is equal to space power 4 plus space power 2 plus 1 over, ये वाले को फ्रैक्शन आ गए और नीचे फिर स्पेस पावर 2 डीएस, ये प्रोजेक्ट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इसकी जगह पर मैंने अब क्या करना है, 1 ओवर टी लगाना है, प्रोजेक्ट करें 1 ओवर टी 1 ओवर टी 1 ओवर टी 1 ओवर t, ये मैंने वैल्यू से चेंज कर दिया डीएस। अब आप गौर से करें तो मेरे पास ये मीन फ्रैक्शन है, अब आप गौर करें 1 ओवर t पावर 4 जो करें प्लस 1 ओवर t पावर 2 प्लस 1, इसका फ्रैक्शन नहीं है, वहां पर 1 डाल दें। अब यहां पर देखें 1 ओवर t 2 1 ओवर t की पावर 2, ये मेरे पास आ गई वैल्यूज। अब आप गौर करिए एक फ्रैक्शन हमारे पास ये आ रहा है, ये एक फ्रैक्शन मेरे पास ये है और एक फ्रैक्शन मेरे पास ये, डबल फ्रैक्शन आ रहा है। तो मुझे करना क्या है, ये वाला जो फ्रैक्शन खत्म करना है, मैं इसके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दूंगा, वो लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखेंगे और बोर्ड पर तो करें, मैं पहले इसे ऐसे लिखता हूँ 1 ओवर t पावर 4 प्लस 1 ओवर t पावर 2 प्लस 1 ओवर 1, इसे मैं ब्रैकेट में रखता हूं, ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं उल्टा करता हूं ब्रैकेट के अंदर, देखो उसे t पावर 2 ओवर 1। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं इसके साथ इसे मल्टी करा दूं, इसके साथ गौर से देखें क्या करूंगा मैं, टी पावर को इसके साथ ले आऊंगा, ये बड़ी पावर है, चार में से दो फर्क कर दे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी टी टू, ये आप उसमें कट जाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1। अब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर टी टू, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का फ्रैक्शन बना देना है, तो पहले मैंने फ्रैक्शन बना दिया, अब मैं यहां से एलसीएम हासिल करूंगा, LCM तो जो करें LCM least common multiple तो करें इनका नीचे वाले वैल्यूज का, और से देखें इन तीनों का मैंने LCM लिया T2। अब T2 से T2 जो है वो डिवाइड होकर 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टी करें तो आपके पास 1, ये T2 1 से मल्टी करें T2 फिर ऊपर वाले से मल्टी करें तो T2 हो जाएगा, और T2 को इससे डिवाइड करें तो T2 आएगा, T2 को ऊपर और T2 से मल्टी करा दें तो 2 और 2 जो है वो आपके पास 4 हो जाएंगे। अब आप गौर करें कि ये जो 1 plus T2 plus T power 4 over T2 है, ये हमारे पास किसके बराबर है f of t, तो मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन जो है f of t जो है, तो यहाँ पर देखें f of in bracket 1 over t, then we say left hand side is equal to right hand
side. Question number 9, main topic, evaluation of function. If f of x is equal to x minus 1, x over x plus 1, we have to show here f of x minus f of y, 1 plus f of x dot f of y is equal to x minus y over x plus y. इस साइड को मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करता हूं और उस साइड को मैं राइट हैंड साइड कंसीडर करता हूं. तो अभी हमें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है f of x, तो जो क्रेडिट है f of x, तो जो क्रेडिट ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो हमें फिर क्या करना होगा, f of y मालूम करना होगा, f of y ये डियर हमें मालूम करना होगा f of y. इसको मालूम करने के बाद हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में रखकर अप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, ज़रब करेंगे, तक़सीम करेंगे, ज़रब करेंगे, व्हाटएवर वी हैव टू डू. लेट्स सी ऑन बोर्ड, एफ ऑफ स्पेस इज इक्वल टू स्पेस माइनस वन ओवर स्पेस प्लस वन. अब ये क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास है एक्स है, इस जगह पर मुझे वाई वैल्यू को प्लेस कर देना है, वाई वाई. अब देखिए हमारे पास f of x भी अवेलेबल हो गया और f of y भी अवेलेबल हो गया. तो जो कह दिए, अब हम क्या करेंगे, इस मेन साइड में हम इसे प्लेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. अब क्या करेंगे, प्लेसिंग f of x एंड f of y. अब देखिए व्हाट इट इज, स्पेस f of x minus 1 over x plus 1. इसकी जगह पर मैंने डियर ये वैल्यू जो है यहां से पुट कर दिया मैंने. तो जो करें, अब हमें मेरे पास फंक्शन आ रहा है माइनस ये वाला, देखो ये फंक्शन. अब f of y is equal to y minus 1 over y plus 1. ये मैंने अपर साइड पे फीड कर दी वैल्यूज, अपर साइड पर. तो जो करें डियर अपर, अब नीचे वाले में चलते हैं, लोअर साइड में आ रहे हैं, 1 प्लस f of x ये बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 1, ये की वैल्यू. अब हमें f of y प्लेस करना है इसके अगेंस्ट, y माइनस 1 ओवर y प्लस 1, ये दोनों वैल्यूज ये प्लेस हो गई. अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी ऑन बोर्ड, ये मेन फ्रैक्शन देखिए डियर, मेन फ्रैक्शन, मेन फ्रैक्शन पे तो जो करें, अब इन दोनों वैल्यूज का, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम लें, टेकिंग एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1. अब यहां पर बड़ा लेंगे, इसमें एक डाल दें, अब इन दोनों का एलसीएम लें, नीचे फ्रैक्शन में देखिए आप, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास सेम आ रहा है, x प्लस 1 और y प्लस 1. ऊपर नीचे हमने एलसीएम वैल्यू जो है वो फिट कर दी है, देखिए और बहुत से डियर. अब हमें करना क्या है, एलसीएम ले लिया हमने, दोनों फ्रैक्शन टेक आउट कर लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके साथ. देखिए गौर से, x माइनस 1 के साथ y प्लस, इसको इसके साथ मल्टी कराएं, प्लस 1 इसके साथ y माइनस 1. अब डियर ये ऊपर वाली वैल्यू जो हमने हासिल कर ली है, ऊपर वाले फ्रैक्शन में वैल्यू हमने हासिल कर लिया, नीचे वाली वैल्यू में आ रही है, इन दोनों को हमने यहां लिख दिया है. अब आप इस दोनों को इसे मल्टी करा दें, देखिए गौर से, x प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस, आगे हमारे पास प्लस आ रहा है फंक्शन, इन दोनों को सेम ब्रैकेट के साथ लिख दें, x माइनस 1 और फिर लिख दें y माइनस 1. अब आप डियर तवज्जो करें, ये जो फ्रैक्शन हमारे पास ये वाला और ये वाला फ्रैक्शन सेम है, तो सेम फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाता है डियर. तो बाकी वैल्यू देखें हमारे पास क्या आती है, उसको हम टेक आउट करते हैं. अब चेक करें, हमारे पास इन दोनों को आप जरा दें,
क्या वैल्यू आ रही है, इसको इस तरफ दें एक्स वाई फिर माइनस वाई, इनवर्स से पहले एक्स वाई फिर माइनस वाई, अब क्या आएगा जमा का एक्स और माइनस का एक, तो जो कर लें ये मैं यहां ब्रैकेट लगाता हूं। अब आगे माइनस फंक्शन आ रहा है हमारे पास, इन दोनों तरफ दें एक्स वाई, इसके साथ तरफ दें प्लस वाई, फिर इसके साथ तरफ दें माइनस एक्स, ए को एक्स तरफ दें माइनस ए, ये डीएल हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू हासिल हो चुकी है। अब नीचे वाली वैल्यू में आ जाए, इसको इस तरफ दें एक्स वाई, इसके साथ तरफ वाई के साथ वन तरफ दें वाई, एक्स को वन तरफ दें एक्स, वन को वन तरफ दें वन, अब इसको इस तरफ दें एक्स वाई, वन फिर एक को तरफ दें माइनस वाई, इसको इस तरफ दें माइनस एक्स, माइनस और माइनस प्लस। अब आप डीएल गौर करें, ये जो हमारे पास हासिल हो चुकी है वैल्यूज, इसको हम कैसे टेक आउट करें, अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, नीचे वाली वैल्यू देखें एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वन। अब आप डी गौर करें, ये जो एंटी फंक्शन होंगे वो हम काट देंगे, देखो प्लस वन माइनस वन, ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स, ये हमने ये अब काट दिए, गौर करें तो जो रेडियस हम देखो और कीजिए एक एक्स और एक एक्स, ये दो एक्स हमारे पास आ गए, मनफी एक वाई और मनफी एक वाई मनफी दो हमारे पास वाई आ गए। अब क्या करना है, जमा का एक और जमा का एक, जमा के दो हो गए हमारे पास, जमा का एक एक्स वाई और जमा का एक एक्स वाई दोनों ही हमारे पास एड अप होकर दो एक्स वाई। अब डियर गॉड करने वाली बात है कि हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं वो देखो उसे, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों को हम टेक आउट करते हैं दो ऊपर वाली वैल्यू से एक्स माइनस वाई, और दो ही नीचे से हम असर करते हैं तो इन ब्रैकेट वन प्लस एक्स वाई। अब आप गौर करें तो ये दोनों ही कट गया आपस में। अब आप देखें ये जो वैल्यू हमारे पास हासिल हो रही है, ये एक्स माइनस y over 1 plus x y, तो ये किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास राइट हैंड साइड। अब देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट की थी, तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वैल्यू चेक करें, ये वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड पर।